Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. Let's start the chapter. 8.1 The Russian Revolution. Pre-war Russia. By 1914, Russia had become a vast empire that spread across the European and Asian continents. The Russian government ruled over diverse regions inhabited by people of different languages, religions, and ethnicity. Power in this empire lay in the hands of elite land-owning class who were led by the autocratic Tsar Nicholas II who belonged to the Romanov dynasty. Most of the high officials in this empire were wealthy landowners from noble families. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन के पहले का, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन के पहले का यहाँ पर कुछ प्री रशिया वॉर के बारे में बताया गया है. 1914 के दौरान रशिया जो था वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट एम्पायर में कन्वर्ट हो गया था, और वो पूरे यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ में क्या हो गया था, स्प्रेड हो गया, कॉन्टिनेंट्स पे स्प्रेड हो गया था. जो रशियन गवर्नमेंट थी वो ज़्यादातर वहाँ का जो डाइवर्स रीजन था वो लोगों वहाँ पर डाइवर्स रीजन था तो वहाँ के जो लोग थे वो अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग रीजन्स और अलग अलग एथेंसिटी के थे. लेकिन पावर जो था उस रशिया के जो पावर था, पूरे रशिया रशियन गवर्नमेंट का जो पावर था वो कुछ ऐसे लोगों के पास में था जो कि बहुत ज़्यादा एलीट क्लास के हैं, जिनके पास में बहुत ज़्यादा लैंड लैंड ओनिंग क्लास है, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा लैंड जिनके पास है वो ऐसी क्लासेस ऐसे ऐसी क्लास के पास में, इन द सेंस यहाँ पर ऐसे लोगों के पास में था जो कि बहुत ज़्यादा एलीट क्लास के लोग हैं, और उनको ऑटोक्रेटिक जार, ठीक है, ऑटोक्रेटिक जार जो थे वो लोग क्या करते थे, रूल लेड लीड करते थे. लीड करते थे मीन्स उनको आगे आगे कोई भी काम करने के लिए बताते थे. निकोलस टू, ठीक है, निकोलस टू हु बिलोंग टू द रोमनोव डायनेस्टी, ठीक है, निकोलस टू जो कि रोमनोव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनके हाथ में क्या था आपका मीन्स ये क्या थे, एक ऑटोक्रेटिक जार थे. ज़्यादातर जो हाई ऑफिशियल्स थे एम्पायर में वो या तो वेल्दी लैंड ओनर्स थे या फिर किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे. इन रशिया द पीसेंट्स हु कल्टिवेटेड द लैंड लिव्ड इन शेर्फडम अंटिल 1861. दिस शेर्फ्स वेयर बाउंडेड वेसल्स हु वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम परसुइंग एन अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन और लीविंग देयर विलेज विदाउट द परमिशन ऑफ देयर लैंडलॉर्ड. इफ अ लैंड ओनर सोल्ड हीज लैंड The chefs were also transferred to the new owner. The Tsar issued a proclamation in 1861 freeing the serfs from their bondage. However, the ownership of land remained with the landlords. So the freed peasants were now forced to pay high rents to farm the land. अब देखिए रशिया में जो पीसेंट्स थे, पीसेंट्स मीन्स फार्मर्स जो थे जो कि कल्टीवेशन करते थे और अपने अपना जो लाइफ है वो कल्टीवेशन से मीन्स फार्मिंग करके ही चलाते थे, तो वहाँ पर शेर्फडम फार्मिंग होती थी. कैसे शेर्फडम फार्मिंग होती थी मीन्स 1861 तक वहाँ पर शेर्फडम फार्मिंग की जाती थी. अब शेर्फडम का मतलब क्या होता है कि जो शेर्फ्स रहते हैं मीन्स जो जिनका ऑक्यूपेशन है, ठीक है, जिनका ऑक्यूपेशन क्या है आपका फार्मिंग है और जो जो कि विलेज में रह रहे हैं, ठीक है, विदाउट लैंडलॉर्ड के परमिशन के बिना, ठीक है, विदाउट लैंडलॉर्ड के परमिशन के बिना अगर कोई वहाँ पर रह रहा है, और लैंड ओनर क्या करता है मींस यहाँ पर देखिए अगर कोई पीसेंट जो है, कोई फार्मर जो है वो उस लैंड में क्या कर रहा है अपना कल्टिवेशन कर रहा है, ठीक है, लैंड में अपना कल्टिवेशन कर रहा है, और अगर क्या करता है जो लैंड ओनर है वो अपना लैंड को किसी और को बेच देते हैं, ठीक है, वो अपने लैंड को किसी और को सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं, तो जो उनके साथ में जो उस लैंड पर जो वर्क कर रहे थे, जो पीसेंट्स जो वर्क कर रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे अपने नए ओनर के साथ में ही क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र उनका भी हो जाएगा. वो उसी लैंड पर काम करेंगे लेकिन अब वो किसी और के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे. जो जार थे उन्होंने इशू किया ये प्रोक्लेमेशन को 1961 में, और जितने भी जो शर्फ्स थे, जो भी पीसेंट्स थे, उनको क्या किया, इस बॉन्डेज से फ्री किया. और यहाँ पर जो लैंड ओनरशिप जो रहता था, लैंड जो था वो लैंडलॉर्ड्स के पास में ही रहने दिया, और जो पीसेंट्स थे उनको फोर्स किया कि वो क्या करे, रेंट्स भी दें और साथ में फार्मिंग मीन्स फार्मिंग भी करें वहाँ पर उनके लैंड पर.
The land owners did offer some land to the peasants under the Tsar initiative, but they charged exorbitant sums of this land, which was mostly less fertile or barren. The government gave loans to the peasants to pay the landowners, recovering the amount from them in installments. The peasants were prohibited from leaving their villages until they had repaid their loan. They were thus straddled with debt in 1917, even after repaying the several generations. ठीक है, अब देखिए इस जो एक्ट के कारण क्या हो रहा था यहाँ पर, जो लैंड ओनर्स थे वो अपना कुछ लैंड जो थे वो पीसेंट्स को दे रहे थे, दे तो रहे थे ज़ार इनिशिएटिव के थ्रू, लेकिन उनका जो चार्ज करने का जो मींस जो वो चार्ज कर रहे थे वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा अलग हो गया था. उनका जो सम था वो बहुत ज़्यादा सम के साथ में वो चार्ज करते थे, और ऐसे लैंड पर चार्ज करते थे जो कि बहुत लेस फर्टाइल है या फिर बैरन लैंड है. ठीक है, लेस फर्टाइल मीन्स जहाँ पर खेती जो है वो कम हो सकती है. ठीक है, फर्टिलिटी उस लैंड पे क्या है, कम है, या तो फिर बैरन है. बैरन मीन्स बंजर जमीन है जहाँ पर खेती ही नहीं की जा सकती. ठीक है, अब गवर्नमेंट जो थी वो लोन्स दे रही थी उन पीसेंट्स को, फार्मर्स को, ताकि वो लैंड ओनर्स को क्या कर सके, पे कर सके और पे कर सके, और फिर इंस्टॉलमेंट्स में गवर्नमेंट को वहां पर क्या दे पैसे दे सके. अब जो यहाँ पर पीसेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब तक जो पीसेंट्स थे वो उस गांव को, उस विलेज को छोड़ के नहीं जा सकते थे जब तक वो अपना पूरा इंस्टॉलमेंट जो है वो पे नहीं कर देते. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग थे जो पीसेंट्स थे वो क्या हो गए, डेप्ट में चले गए, डेप्ट में चले गए, कर्जे पे चले गए 1917 तक, और बहुत ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद में भी वो उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहे थे. In this way, the 1861 land reforms benefited the landowners the most, leaving the now legally free peasants in an even more pitiable economic conditions. In the absence of democracy, the rights of the freedom of expression, they could not voice their grievances or seek redressal. The Tsar, supported by the noble landowners, was thus able to run an autocratic government that benefited a select class but left the peasants impoverished. ठीक है, इस तरीके से जो 1861 का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया उससे ज़्यादातर लैंड ओनर्स को ही क्या हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था, ना कि फार्मर्स को यहाँ पर बेनिफिट हो रहा था. तो यहाँ पर लीगली क्या हो रहे थे, पीसेंट्स जो थे वो और ज़्यादा पिटिएबल कंडीशन में, और ज़्यादा क्या, दयनीय स्थिति पे रह रहे थे. इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी. डेमोक्रेसी के एब्सेंस पे क्या हो रहा था, डेमोक्रेसी के एब्सेंस में उनके पास में राइट ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं था. ठीक है, वो किसी को बोल नहीं सकते थे, आवाज़ नहीं उठा सकते थे, लेकिन ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने के बाद में, उनके पास में राइट्स होने के बाद में भी वो क्या है, ये राइट्स को अपना यूज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लीगली क्या हो गए थे, बाउंडेड हो चुके थे. अब जो जार थी, ठीक, जार था मीन्स जो निकोलस, जो जार गवर्नमेंट वहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी, तो वो ज़्यादातर क्या है, नोबल लैंड ओनर्स को ही, लैंड ओनर्स का ही क्या करती थी, सपोर्ट करती थी, और एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर रन कर रही थी. वो एक प्रॉपर क्लास को ही क्या करती थी, बेनिफिट करती थी, और जो पीसेंट्स थे वो क्या रहे, पीसेंट्स जो थे उनको उनको क्या हो रहा था, यहाँ पर नुकसान हो रहा था. मैनी पीसेंट्स माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लुक फॉर वर्क इन द फैक्ट्रीज एंड मैनी मोर एनलिस्टेड इन द ज़ार्स आर्मी. सो देयर वेर ऑर्गेनिक लिंक्स बिटवीन द रशियन पीसेंट वर्कर्स एंड सोल्जर्स. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे जो फार्मर्स थे वो सिटी में माइग्रेट हो गए, सिटीज चले गए, ताकि वो वहाँ पर वर्क कर सकें फैक्ट्रीज में, या फिर उन्होंने क्या किया, ज़ार आर्मी को ज्वाइन कर लिया, ताकि उनके पास में कोई ऑर्गेनिक लिंक हो सके रशियन पीसेंट्स और वर्कर्स, और मींस यहाँ पर क्या बनने लगा, यहाँ पर एक ऑर्गेनिक लिंक बनने लगे रशियन पीसेंट्स के साथ में, वर्कर्स और सोल्जर्स के साथ में. आपका आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्री एंड वर्कर्स. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट. थैंक यू.